नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर में गांधी की जगह मोदी मचा बवाल। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर पर उस समय बवाल मच गया जब सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया गया। इस साल यहां कैलेंडर में महात्मा गांधी की जगह पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। गांधी की तस्वीर गायब होने से नाराज इसके कर्मचारियों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और जानना चाहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर प्रकाशित करने के दौरान राष्ट्रपिता की तस्वीर क्यों नहीं प्रकाशित की गई। संक्षिप्त प्रदर्शन में केवीआईसी से जुड़े दर्जनों श्रमिक उपनगरीय विले पार्ले पर जमा हुए और उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि गांधी खादी आंदोलन के पीछे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक शक्ति रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि हम डायरी और कैलेंडर में मोदी जी की तस्वीर शामिल करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन गांधी जी की तस्वीर नहीं पाकर हम दुखी है। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि क्यों गांधी को यहां स्थान नहीं दिया गया, क्यों गांधी खादी उद्योग के लिए प्रासंगिक नहीं रहे। प्रदर्शनकारियों ने गांधी जी की तस्वीरों के साथ फिर से कैलेंडर प्रकाशित करने की मांग की। केवीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी की अनदेखी करने की कोई सोच भी नहीं सकता। वह समूचे भारत में समस्त खादी उद्योग के मार्गदर्शक की शक्ति रहे थे और रहेंगे। खादी उद्योग उनके दर्शन पर आधारित है और उसके साथ उसका स्वाभाविक जुड़ाव रहा है। मोदी की तस्वीर को शामिल किए जाने को उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा कि पिछले अक्टूबर में मोदी जी ने लुधियाना में महिला सूत काटने वालों को 500 चरखे वितरित किए। उस ऐतिहासिक क्षण को याद करते हुए हमने कैलेंडरों पर उनकी तस्वीर प्रकाशित करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि मोदी खुद खादी के जबरदस्त समर्थक है और खुद इन सामग्रियों को प्रोत्साहित करने के अलावा खादी पहनते हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग के कैलेंडर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी की तरह एक बड़े चरखे पर खादी काटते हुए दिखाए जाने की दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आलोचना की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गांधी बनने के लिए कई जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। चरखा काटने की एक्टिंग करने से कोई गांधी नहीं बन जाता बल्कि उपहास का पात्र बनता है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आईसीयू में भर्ती। गडकरी ने कहा कि केंद्रीय नेता भी बन सकता है गोवा का मुख्यमंत्री। घबराया पाक, भारत के मिसाइल कार्यक्रम को बताया क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा। सुषमा स्वराज की चेतावनी के बाद अमेज़न ने माफी मांगी। खुदरा महंगाई 3 साल के निचले स्तर पर।